आज की इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री में डिस्कवर होने वाले सबसे बड़े एक्सट्रीम एनिमल के बारे में बताने वाला हूँ, जो आज की ब्लू व्हेल से भी बड़ा हुआ करते थे पर अब इस दुनिया में नहीं है। नंबर 3 पैरासेराथेरियम। दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा लैंड मैमल यही है। ये बिना हॉर्न्स वाले राइनासोरस हुआ करते थे और इनका वजन 20 टन हुआ करता था, जो 4 अफ्रीकन एलिफेंट की बराबर हुआ करता है। प्रजंडे डायनासोर की तरह इनकी भी डाइट हर्बीवोरस हुआ करती थी। ये आज से 23 मिलियन ईयर पहले एक्सट्रीम हो चुके थे और इनके एक्सटेंड होने की वजह एनवायरमेंटल चेंज बताई जाती है। नंबर 2 वोली राइनासोरस। ये राइनासोर आइस एज के टाइम में दुनिया पर एग्जिट करते थे और ये प्रजेंडेड डायनासोर से काफी बड़े होते थे और इनकी बॉडी घने बालों से कवर हुआ करती थी, जो आइस एज के ठंडे मौसम से इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती थी। ये लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल मेगाफोना को बिलोंग करते थे। मेगाफोना जायंट एनिमल को कहते हैं जो आइस एज के टाइम पर एग्जिट करते थे। इनके सिर पर 2 हॉर्न एग्जिट करते थे, आगे वाले हॉर्न्स की साइज पीछे वाले हॉर्न से काफी बड़ा हुआ करता था, जिन्हें ये शिकार के लिए डिफेंस के लिए यूज करते थे, क्योंकि इनकी डाइट कम्प्लीटली हर्बीवोरस हुआ करती थी, जो ग्रास और अदर वेजिटेशन पर डिपेंड हुआ करते थे। वूली राइनासोर आज से 14,000 वर्ष पहले ही दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके थे। इनकी एक्सटिंक्ट होने की वजह क्लाइमेट चेंज बताई जाती है। इनकी बॉडी आज भी रशिया साइबेरिया के ठंडे इलाकों में मिलती है। नंबर 1 मेगलाडोन। दोस्तों मेगलाडोन के फोर्सेस रिकॉर्ड से पता चलता है ये अब तक की सबसे बड़ी शार्क है, जो 23 मिलियन ईयर पहले एग्जिट करती थी और ये आज की शार्क से 50 गुना बड़ी हुआ करती थी, जिनका साइज 50 फीट से 60 फीट हुआ करता था। ये शार्क आज से 2.6 मिलियन ईयर पहले ही दुनिया से खत्म हो गई थी। इनका एक्सट्रीम होना एक बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि इनकी एक्सट्रीम होने की वजह किसी को भी पता नहीं है।